मान्यता संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। साल 2018 में संजय दत्त ने 19 साल छोटी मान्यता को अपनी बीवी बनाया था। सभी के जहन में ये बात आती है कि आखिर कैसे संजू बाबा की जिंदगी में मान्यता की एंट्री हुई। तो आपको बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब संजय अपनी दूसरी पत्नी से अलग हुए थे और एक जूनियर आर्टिस्ट नाडिया दुरानी को डेट कर रहे थे। दरअसल मान्यता एक कामयाब एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उन्हें काम नहीं मिल रहा था। मान्यता ने बी और सी ग्रेड फिल्में करनी शुरू कर दी। संजय ने मान्यता की सी ग्रेड फिल्म लवर्स लाइक के राइट्स खरीद लिए। उस वक्त वो मान्यता को पहली बार मिले। इस तरह मान्यता और संजय दत्त की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मान्यता संजय को फोन करती और जब वो अकेले होते तो उनसे मिलने जाती और अपने हाथों का बना खाना खिलाती। वहीं संजय की गर्लफ्रेंड नाडिया को उनके क्रेडिट कार्ड से ही प्यार था। वहीं मान्यता बिना कुछ भी मांगे उनके लिए सब कुछ करती थी। बस यही बात संजय दत्त को पसंद आ गई और वो मान्यता को पसंद करने लगे। संजय ने मान्यता से शादी कर ली। जब दोनों शादी के बंधन में बंधे तो लोगों का कहना था कि ये शादी कुछ ही दिन टिक पाएगी, क्योंकि दोनों के बीच उम्र का फासला काफी था जिससे उनके बीच बेहतर तालमेल नहीं होगा। मान्यता ने इन सब बातों की कभी परवाह नहीं की। वो संजय दत्त के बुरे वक्त में ढाल की तरह उनके साथ खड़ी रही, जो कि हर पत्नी का फर्ज होता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि संजय दत्त की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक्टर और उनकी पत्नी मान्यता ने हर मुश्किल का सामना डटकर किया, फिर चाहे वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो या संजू बाबा का जेल जाना। साल 2013 में संजय दत्त जब जेल गए थे तो मान्यता ने अपने बच्चों का ख्याल रखा। उस वक्त मान्यता और संजय के बच्चे सिर्फ 2 साल के थे। मान्यता ने ना केवल खुद को संभाला बल्कि अपने दोनों बच्चों की भी अकेले परवरिश की। एक इंटरव्यू में मान्यता ने कहा था कि संजय दत्त अपने बेटे शहरान के लिए हीरो और रोल मॉडल हैं। वो अपने पिता को अपनी प्रेरणा मानता है और संजय के जेल जाने पर उन्हें 2 बातों की चिंता थी। मान्यता ने कहा कि ये खबर उनके बेटे के लिए बहुत बड़ा शॉक हो सकता था। शायद उसे समझ ही नहीं आ पाता कि क्या हुआ है या क्यों ऐसा सब हुआ। मान्यता को दूसरी चिंता ये सता रही थी कि कहीं उनके बेटे को ये ना लगने लगे कि उनके पिता ने पहले जो गलत काम किया वो सब सही था। वहीं उनके रिश्ते की खास बात ये है कि दोनों कभी भी अपने विचार एक दूसरे पर नहीं थोपते। शादी के इतने साल भी इस कपल के बीच प्यार बरकरार है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।